गाइस, आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कुछ इस तरह का कलर टोन पॉडेडिंग सिखाने वाला हूँ, बहुत ही आसान तरीके में, वो भी सिर्फ और सिर्फ लाइटरूम में आपको यूज करते हुए। अगर आपको भी करना है कुछ इसी तरह का सेम टू सेम पॉडेडिंग, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर वॉच करना, और मेरे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा, क्योंकि मैं पॉडेडिंग रिलेटेड वीडियो रोज लाते रहता हूँ। तो गाइस, चले जाता बात के बिना, आज की इस वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको लाइट रूम आपको ओपन कर लेना है, और आपको लाइट रूम के अंदर फोटो को इनपुट करना है। तो उसके लिए आपको साइड में थ्री डॉट में क्लिक करके, ऐड फोटो में क्लिक करके, और आपको फाइल में आ जाना है दोस्तों। और आपका जो फोटो रहेगा सिंपल आपको उसे सिलेक्ट कर लेना है। तो फोटो को सिलेक्ट करने में तो लोडिंग होता है, लोडिंग होने के बाद आपका फोटो इधर ऐड हो जाएगा। तो ऑल फोटो वाला ऑप्शन इन्हें मिलेगा, इसमें क्लिक करना तो आपने जो फोटो इनपुट किया इधर देखने को मिलेगा दोस्तों। तो ओपन करने के बाद आपको फोटो का जो लाइट है आपको सबसे पहले एडजस्ट करना है। तो सिंपल आ जाना आपको लाइट वाला टूल्स में, हाईलाइट को आपको कुछ इस तरह से इनक्रीज करके 30 के आसपास देना है दोस्तों। उसके बाद आपको फोटो में कलर को अप्लाई करना है, सिंपल आ जाना है कलर वाला टूल्स में दोस्तों। अभी क्या करना है, टेम को सबसे पहले माइनस करके -8 कर देना है, और आपको 10 को इंक्रीज करना, आपको क्या करना है 6 कर देना है दोस्तों। अभी दोस्तों क्या करना है, सिंपल वाइब्रेंस को इंक्रीज करना है, इसे इंक्रीज करके आपको 20 के आसपास रख देना है दोस्तों। अभी आ जाना है मिक्स टूल्स में। तो मिक्स टूल्स में आने के बाद सबसे पहले आपको फेस का कलर को एडजस्ट करना है, तो आ जाना ऑरेंज वाला कलर में। तो इसका जो सैचुरेशन है, सैचुरेशन को कुछ इस तरह से माइनस करना है, इसे माइनस करके हम लोग क्या करेंगे इसे 15 पर रख देंगे, और आपको लुमिनस को कुछ से इंक्रीज करके 25 पे रख देना है, ठीक है। अभी क्या करना है, सिंपल आपको आ जाना है रेड वाला कलर में, इसका जो लुमिनाइज है लुमिनाइज को इंक्रीज करना है, तो लुमिनाइज को इंक्रीज करके 12 पे रख देना दोस्तों। अभी क्या करना है, सिंपल आपको आ जाना है येलो वाला कलर में, तो येलो वाला कलर में आने का आपको सिंपली ह्यू को कुछ हिस्सा से इंक्रीज करके आपको क्या करना है 16 के आसपास तक रख देना है, और आपको सैचुरेशन को कर देना है एकदम फुल 100, ठीक है दोस्तों। और आपको क्या करना है, लुमिनाइज को कुछ हिस्सा से इंक्रीज करके आपको कहने से 27 के आसपास रख देना है। अभी आ जाना है आपको ग्रीन वाला कलर में, इसका जो ह्यू है इसे आपको एकदम माइनस कर देना है, और इसका सैचुरेशन देख रहे हो इसे एकदम फुल कर देना है दोस्तों। और आपको लुमिनाइज को कुछ इस तरह से इंक्रीज करके 14 पर रख देना है। अभी क्या करना है, सिंपल आ जाना है आपको ब्लू वाला कलर में, इसका जो ह्यू है इसे आपको माइनस करना है, इसे माइनस करके हम लोग क्या करेंगे 48 के आसपास रख देंगे दोस्तों। अभी क्या करना है, इसका जो सैचुरेशन है सैचुरेशन को इंक्रीज करना है, इसे इंक्रीज करके हम लोग क्या करेंगे इसे 90 पर रख देंगे दोस्तों। उसका लुमिनाइज जो है इसे आपको माइनस करना है, तो लुमिनाइज को माइनस करेंगे दोस्तों, तो इसे 20 पे रख देंगे। अभी आ जाने नेक्स्ट कलर में, इसमें आने के बाद आपको ह्यू को माइनस करना है, ह्यू को माइनस करके हम लोग क्या करेंगे -50 के आसपास रख देंगे दोस्तों। उसके बाद आपको सिंपल आ जाना आपको नेक्स्ट वाला कलर में, इसमें आने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल इसका सैचुरेशन है इसे आपको माइनस करना है, तो सैचुरेशन को माइनस करके हम लोग क्या करेंगे -41 के आसपास रख देंगे। अभी दोस्तों क्या करना है, सिंपली डन में क्लिक कर देना है। तो इतना सा सेटिंग कंप्लीट करने के बाद फोटो में कलर आ चुका है दोस्तों, आप लोग देख ही सकते हो। अभी दोस्तों फोटो को और भी बेहतरीन बनाने के लिए आपको फोटो में कुछ इफेक्ट का अप्लाई करना है। आ जाना इफेक्ट वाला टूल्स में, स्ट्रक्चर को कुछ इस तरह से माइनस करना है, इसे माइनस करके -20 पर रख देना है दोस्तों। और आपको क्लियरिटी को सबसे पहले इंक्रीज करना है 23 पर रख देना है। उसके डीआईजी को इंक्रीज करना, इसे इंक्रीज करके 18 पर रख देना है। और इसके जो विग्नेट है विग्नेट को माइनस कर देना है, विग्नेट को माइनस करके 42 पर रख देना है दोस्तों। उसके बाद इसके जो फेदर है इसे आपको उस इस तरह से इंक्रीज करके आपको 88 के आसपास रख देना है दोस्तों, ठीक है। तो इसका जो मिड पॉइंट है इसे आपको माइनस करना है, इसे माइनस करके 40 के आसपास रख देना है। तो इतना सा सेटिंग कंप्लीट करने पर फोटो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। फोटो में कुछ डिटेल्स भी ऐड करने हैं दोस्तों, तो आ जाना डिटेल्स वाला टूल्स में, शार्पिंग को कुछ इस तरह से इंक्रीज करके 46 के आसपास रख देना, नोजेशन को कुछ इस तरह से इंक्रीज करके 35 के आसपास रख देना, कलर नोजेशन को कुछ इस तरह से इंक्रीज करके 40 के आसपास रख देना। तो इतना सा सेटिंग कंप्लीट करने पर फोटो एकदम बनकर रेडी हो चुका है दोस्तों, आप लोग देख सकते हो कितना ऑसम लग रहा है बिफोर एंड आफ्टर। उसको शेयर में क्लिक करके सेव टू डिवाइस कर लेना है। सो दोस्तों, और एक बात, इसका जो प्रीसेट है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, आप प्रीसेट को उधर से फ्री में इजीली डाउनलोड कर सकते हो। सो दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही, वीडियो चला तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी अपलोड करूँ सबसे पहले आपको देखना मिले। तो वैसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।